मॉर्निंग. मैंने रैंडमली कोई आर्टिकल चेक करा था कि आज से मॉल्स खुल रहे हैं. मम्मा पूछ रही थी कि ब्लॉग कर रहे हो. ब्लॉगिंग की आदत इतनी छूट गई है. नोबडी इज रिमेम्बरिंग कि यार हम ब्लॉग बहुत रेगुलरली करते थे. तो आज शुभ आरंभ करेंगे बहुत ही एपिक चीज का. याद है मैंने आपको स्पेशल वाली चीज के बारे में बताया था. हाँ. हो सकता है सब स्टोर्स बंद भी हो तो एक बार रेडी हो जाओ. इफ थिंग्स आर ओपन तो तुम्हारे योगा क्लासेस का टाइमिंग देखो मैनेज हो सकता है. सो वी ट्राई टू कम बैक बिफोर योर नेक्स्ट क्लास. चलो आई एम तो रेडी विद क्लोथ्स. नहीं कुछ अलग पहनो. ड्रेस वेस पहनो कुछ. ठीक है. हेलो फ्रॉम द लिफ्ट. मम्मा का आउटफिट ब्लैक ब्लैक. मेरा आउटफिट ग्रीन ग्रीन. वी कम टू दिस हाउस टू पिक अप अ गुड जैकेट ऑन दिस एंड लाइक टू लेयर आउटफिट्स. आई वांट अ वाइट जैकेट ओनली बट लाइक अ वेरी ओवरसाइज्ड वाइट जैकेट. आई कैन स्पॉट इट. दिस वन आई वांट. आई इज डोइंग कैन हैव यू. आई थिंक आई फाउंड इट. ओवरसाइज्ड जैकेट ऑन अ फ्लैरी ड्रेस. मैंने बाल बन में बांधा है बिकॉज बाय द टाइम आई ओपन इट बहुत फ्लफी से लूज कर्ल्स लगता है. पर एक्चुअली डोंट इवन माइंड द बन. वो भी अच्छा ही लग रहा है. मैं कोई बैग नहीं ले रही. तू रख दी बैग में. ये लेओ. दिस इज माई फेवरेट जूस सारे में से. कितने महीने बाद जा रहे हैं मॉल? आई थिंक जब से लॉकडाउन हुआ तब से पहली बार. तुम उसके पहले भी नहीं है. मैं और एक अच्छा सिग्नल चालू किया. ठीक होवर मदर ठीक होवर. मैं तुमको एक टास्क दे रही हूँ. तुमको नारियल पानी टेस्ट करना है. नहीं पियो. चल झूठ भी नहीं बोल पा रही. टेक्निकली एस्प्रेसो की फर्स्ट मानसून भी है बिकॉज सेप्टेम्बर लास्ट ईयर से तो मानसून थी नहीं. तो आई एम वेरी हैप्पी फॉर हर. आई एम वेरी वेरी अटैच्ड टू कार्स. बचपन से भी जब भी कोई कार बेची जाती थी मैं इतना रोती थी. आस्क हर. बहुत बहुत. आई फील वेरी अटैच्ड टू कार्स. इन्फिनिटी मॉल के एकदम बाहर आ गए हैं. अनफॉर्चुनेटली कल तक वो दिखा रहा था कि आज खुला है. अब आज इधर आके दिखा रहा है कि बंद है. तो आई हैव अनदर प्लेस इन माइंड जो तो एक्चुअली मम्मा के लिए सरप्राइज हो गया. तो अब वहाँ जाएंगे. मम्मा ने फिगर आउट कर लिया है हम कहाँ जा रहे हैं. हाउ डू यू फील? फील अमेजिंग. बहुत अच्छा लग रहा है. दिस इज द बेस्ट वी कुड कम अप विद. बांद्रा आए हैं हम और यहाँ पे इंडिविजुअल स्टोर्स बहुत सारी है. एक्चुअली आई वॉन्टेड मॉम टू गेट अ न्यू बैग फॉर हर. एक ही चीज़ का मुझे टेंशन है वो है पार्किंग का क्योंकि ऑफिशियली यहाँ पे कोई पार्किंग नहीं है एज सच. तो आई एम जस्ट गोइंग टू लीव इट हियर होपिंग कि कुछ ना हो. सो रिजवान हुसैन. फिर यहाँ पे मुफ्ती है. I've been running from myself so long. I've been running from my heart. Things have never been the same since you packed your bags and played your cards. Oh, successful shop. We bought some stuff from Tommy Hilfiger. Amma ne ek top liya. Do you like it? Shopping started. Yeah. And there's a searching courage to get up again. There's food hall right here. It's got phone covers also. Between walls we both know oh so well. Now's the time he stops pretend. La 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 la. I'm smiling, what is happening? La 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 la. Oh my God, there's my light. Dressed every day, his well-known eyes makes me, oh my God, how come I've never felt like this until his kiss. I should have vlogged the dish but I ordered something non-vegetarian. Realized that you and I were
टर्न लिया आज के दिन ने, बिकॉज द स्टोर वी वांटेड टू गो टू ऑनलाइन दिखा कि 7 बजे तक खुली है, बट द पर्सन देयर सेड कि ओनली टिल 4 PM देयर अलाउड. आगे का अब माँ बताएगी कि हम कहाँ जा रहे हैं. तो जैसे कि आपको अभी पता चला, हमारा प्रोग्राम कम्प्लीटली चेंज हो गया है और हम लोग जा रहे हैं टेस्ट ड्राइव के लिए, हुंडई के शोरूम जा रहे हैं. तो वी हैव रीच्ड द शोरूम. सो पापा की जो कार है, विच इज अ टोयोटा कोरोला ऑल्टस, it's been 6 years now and it's run I think around 1 lakh kilometers. So dad is not very happy with the condition of the car, but I freaking love it. So we're looking at changing his car and I'll take his old car. So let's see if we like a car. Every day is well known ice makes me oh my god, how come I've never felt like this until his kiss singing oh Crazy day. I'm so thankful as I'm vlog kar raha hai, because I think we finalized our car and we might just book it right now. Kya shopping ke liye nikle the aur kya shopping ke liye kahan pe ko bhi pasand aayi to jaan ke meter ke ka aate ha to hum Nexa ke showroom mein aaye hain and we wanted an SUV and we loved the one that Kumar had suggested. Main aapko aur car mein baith ke batati hu yahan pe aur nahi, because negotiation chal raha hai. Back from the gym, showered. The whole point of shopping so much is I'm planning a very intricate series of short videos, which is reels or TikToks as known before. So I want to build a wardrobe which is going to support all of these ideas. One thing I need to order is the traditional bags. Abhi I'll just place that actually. Bags are ordered and I'm thinking ki jab bags aa jayenge tabhi I'll show you mamma wala saman also. As we're going out, need to rush because mummy ka class hai 4 baje, so we need to come back from this shopping trip and complete all the things I need actually for this series today itself. So I don't really put makeup on. I'm not feeling like that today, so I'm just going to do my skincare and get out, literally get out, because that's what my mom is going to tell me if I don't leave in 10 minutes. But I wanted to show you my new skincare routine in which face, and that is all surrounding L'Oreal Paris's products, because I have trusted them over all these years and I do swear by. Now my current skincare routine में जो भी सारे products हैं, I have used them over the past and I have used complete jars up too. But I think I'm putting them together as a trio for the first time. And ये पूरा routine is mostly based around salicylic acid and hyaluronic acid. अभी salicylic acid का main contribution होता है in fighting any age spots or acne, any scarring या even uneven skin tone. और hyaluronic acid is actually naturally present in our body and इसका काम is to maintain the moisture levels, क्योंकि it can hold up to 1,000 times its own weight. And that's why it's also called as moisture magnet. When it comes to deciding ki what should be the order of the products to be used, I prefer going from light to heavy, and it's important to layer them in the right way. Isliye the first product in my routine is going to be the L'Oreal Paris Crystal Micro Essence. Iska key feature is the salicylic acid in it, which gently exfoliate karne mein help karta hai, aur it accelerates skin renewal also. So I usually let it sit for about 30 seconds before I go in with the next product, which is going to be the 1.5% hyaluronic acid serum. Matlab ye sukhne tak I'll tell you about that. Now while reading up about this, I did come across the following, that 1.5% is known to be the right amount of concentration of hyaluronic acid in a product. Skin radiance bhi significantly increased hua hai after using this. I did read ki a lot of people experience up to 42%, which is of course measured properly. It's not just a random number unhone researches kiye. After applying the serum, I do feel like a wave of intense hydration. And final step will be the hyaluronic acid gel cream, jo sabse thick hai in all these 3 products. Isliye main isko last mein laga rahi hu. Is cream mein na hyaluronic acid ke micro molecules hai which go deeper and give visible lasting results. So I will be linking this entire routine in the description box down below if you want to check it out, because personally I've been enjoying it.
टाइम टू गो. आई कैन जस्ट हियर डंबलडोर का वो स्पीच में बोलता ना पिप पिप व्हिच इज लाइक गो. I need to go. यार मॉल अभी भी बंद है. So more than us, I'm feeling bad for the stores. But ठीक है, हमको तो I think Pantaloons में या And का शोरूम है. Individual and standalone showrooms तो खुले हैं. That I'm sure about it. तो वहाँ से मिल जाएगा. Found a place. जमकुटी भी है, Pantaloons भी है. हम Borivali station side आए हैं. तो this is where hopefully we'll find dresses क्योंकि Pantaloons में काफी variety होती है ना. And I remember every day that spent with you, the look you had upon your face when I said goodbye. I don't know why I let you go, but probably the last time Espresso's Dickies ever this full. I know कल क्या हुआ उसके बारे में बात करना बाकी है, बट थोड़ा अर्जेंट काम था ना, जस्ट फिनिश्ड इट. नाउ लाइक टाइम टू व्हिप आउट द कैमरा एंड स्पिल ऑल द टी. ओके, सो दिस होल थॉट प्रोसेस स्टार्टेड फ्रॉम दैट मेजर एक्सीडेंट दैट हैपेंड. उसका स्टोरी टाइम मैंने आपको बताया था कि व्हाट हैपेंड. सो एवर सिंस देन मॉम एंड डैड हैव बीन वेरी वरीड अबाउट द कार दैट वी ओन व्हिच इज एस्प्रेसो. इफ दैट कार वुड हैव बीन what we took the trip, we could have probably been severely injured because of the safety results of the test conducted on that car. We did not know about this when we bought it. हमको काफी बाद में पता चला कि safety wise it's not where we needed to be. तो तब से पापा was like तू गाड़ी change कर, तू गाड़ी change कर, but I couldn't afford it back then. Dad's car is now 6 years old. He drives a Toyota Corolla Altis. I've named her Snowy. She, I'm calling her she. That's how much I get attached to cars, okay? Dad usually likes to change his cars every 5 years, if we can afford it, that is. He decided to change his car, which is Snowy. So when we went to shop yesterday, Dad randomly calls ki, hey, I want to test drive cars. Can you guys come to Santa Cruz? And we were already at Bandra, so we agreed, chalo jaate hain. And this trip was only supposed to be to test drive, okay? Only to test, like window shop sort of, not to actually buy. But what happened is, we first went to Hyundai because we thought of test driving venue, and we did that. We found the leg space was much lesser than what we'd like. Then Papa wanted to see Tata Nexon, and for some reason I've been biased that I did not want to try that car out. I don't know why, I was just like, nahi Nexon, nahi kuch aur dekhte. So Kumar suggested ki try a car called It's by Nexa, which is I think a sister company of Maruti. We went there. We did a test drive and हम ना सब जगह रेट लेके आ रहे थे. एक प्रिंट आउट पे वो लोग लिख के देते हैं कि आप अगर सबसे लोअर मॉडल लोगे तो कितना होगा, मिड मॉडल का कितना होता है, हाईएस्ट वेरिएंट का कितना होता है. तो यू लाइक गिव्स द रेट्स एंड द रेट एट दैट शोरूम वॉज रियली रियली गुड. मतलब बहुत ही कम रेट लगाया था उन्होंने. And to top that off, when we asked for the exchange value of both the cars, क्योंकि मैं और मम्मी एक्सप्रेसो में गए थे ना और पापा अल्टिस लेके आए, तो हमने दोनों गाड़ी की वैल्यूएशन निकाली एंड दे वर गिविंग ऑलमोस्ट द सेम प्राइस फॉर एस्प्रेसो दैट दे वर गिविंग फॉर टोयोटा कॉर्ला ऑल्टिस. व्हाई दिस हैपेंड इज बिकॉज द डीलरशिप वॉज द सेम. तो मैंने जहां से एस्प्रेसो ली ना, वही डीलरशिप की दूसरी ब्रांच थी सैंटा क्रूज के साइड. बिकॉज इट इज द सेम ब्रांड की गाड़ी, सेम डीलरशिप, दे वर गिविंग अ बॉम्ब रेट ऑन एस्प्रेसो. मैंने जितने में खरीदी ना उसका 10% वैल्यू उन्होंने कम करा था, विच इज ग्रेट फॉर अ यूज्ड कार. यूज्ड कार की वैल्यू बहुत जल्दी कम हो जाती है. सो That's why we are getting the new car for less than 10 lakh rupees, and this car is massive. It's only 30 centimeters lesser than Altis, which is a 22 lakh rupee car. So basically this car is so value for money and it's amazing because of the offers that they were giving at that time. Lakhs of rupees ka farak pad raha tha. We ended up booking it. So we're gonna have a new मेंबर इन द फैमिली. यार ये सब जो इलेक्ट्रॉनिक्स और कार्स होते हैं ना, मैं भगवान जाने की मुझसे इतना अटैच हो जाती हूँ. मे बी बिकॉज आई रियलाइज हाउ मच वैल्यू दे हैड. बट दैट्स व्हाट हैपेंड यस्टरडे. वी बुक्ड अ फ्रिकिंग न्यू कार एंड दैट ऑल्सो मीन्स दैट एस्प्रेसो विल गो बिकॉज इन एक्सचेंज द ओल्डर कार नीड्स टू बी ट्रांसफर्ड टू द डीलरशिप फर्स्ट एंड उसका पेपर वर्क खत्म होने पर ही नई गाड़ी आती है. सो शी इज़ गोना गो प्रीटी प्रीटी सून एंड उसका सारा पेपर वर्क खत्म करना पड़ेगा. लाइक जो मैंने लोन ले रखी है उस पर, वो लोन के पैसे आई हैव टू फोरफीट. लाइक आई हैव टू पे द होल अमाउंट अप फ्रंट ताकि द ओनरशिप कैन गो फ्रॉम द बैंक्स नेम
to my name and then from my name to the dealership's name. So a lot of things had to be done. Hum mil rahe approximately 10 din ke baad. But the bags came in the morning. So I thought ki let me come in a thoda achha state because I shoot thai. So I thought shoot ke baad aram se chill karte. So I'll show you the bags first and then mummy ka saman. I did not let her touch this since all these days. I was like, nahi. Pehle vlog mein dikhaungi phir hi aapko dungi. Because then she uses so unke cupboard mein na thoda ghum jata hai. I found a beautiful Instagram page run by Ishita Mangal. This is her Instagram page. So her choice of fashion sense, I connect to a lot. It is very different, very refreshing and unique compared to what I've seen in general. I see her bag collection and I love it in general. So actually, unka page dekke, I was quite adamant ki even I want good envelope bags. Her brand recommendations are spot on, but they are on a little bit of an expensive side for me personally. Wo thoda currently mere budget ke bahar jata hai. So it took me hours to search for a brand jo mere budget mein baith raha tha. So this I think I found from Sanskriti 777. I think it's a homegrown brand based out of India. I know that they make it's made in India and it's handmade. So I will link their details down below, but I ordered these bags from them and ye itne acche aaye ki I think I will order from them again. So the first one is this green beige sa bag. Isme mirror work hai, beading hai bahut sara and fringe bhi hai. All of them have come with a sling which I didn't know they'll come with, and the space is insane. So they are practically usable too and they look gorgeous like aise kurte ke saath with white pants and a bag like this. I feel like it looks very uptight and just a very strong outfit. Actually, इस कुर्ते की बात करूँ तो इसमें ये बैग ज़्यादा मैच जाती है. This has more cool tones to it, like the greens, the blues, and the bead work is also quite intricate because there are different size of beads and there's different materials used in this as well, like there's straw, there's wool. इसमें भी sling strap है. And the closure of this is slightly different than that one. Very practical and very beautifully made. Finishing bhi kafi achhi hai. And the final one is a pop of yellow. Yellow is our color. This is tiny, much less space compared to the other two. I feel like this is louder as well with the fringe on it. I feel like this might be the one that I end up wearing the most. So the main agenda actually was to build the wardrobe for the series I have in mind. That's why mama ne zyada nahi liya hai. But she bought things which she connected the most to. So the first thing is this crop top, which ironically, if you watch our birthday haul, this is the matching top to the track pants I bought. So it becomes a co-ord set and I tried to convince her so many times ki ye mujhe de do, mere paas iski matching pant hai. But she's not in the mood for that. Second thing is this top she bought from Tommy Hilfiger. Yaar, badi achhi sale thi, pata hai. This one is MRP at 3599. I think we got this for around 900 or something, which is good for this kind of a quality because the material is very breathable is what mom said. I haven't tried it yet, but the moment she wore it, she's like, बहुत ही कंफर्टेबल और खुला खुला सा लग रहा है. देन दिस छुटकू बैकपैक, शी इज बीन ट्रैवलिंग अ लॉट मोर देन मी. शी थॉट शी कैन कैरी दिस ऑन हर ट्रिप्स एंड दिस अ होलोग्राफिक लोगो ऑफ एडिडास. इट लुक्स छोटू बट एक्चुअली दिस कैन फिट अ लॉट. सो इवन व्हेन आई स्टार्ट ट्रैवलिंग आई कैन कैरी ऑल द कैमरा थिंग्स इन दिस, लाइक द एक्स्ट्रा बैटरी और ट्राईपॉड और सब इसमें आराम से आ जाएगा यार. इट्स अ लॉट ऑफ फन जब एक दूसरे से हम ऐसे छीना झपटी करते हैं ना कि आई वॉन्ट यूज दिस बट आई विल टेक इट. दिस इज अ बैक पैक दैट शी डिडंट रियली वॉन्ट टू गेट, बट देन शी कीप्स यूजिंग द बैक पैक्स इवन एन द हैंडल्स ब्रेक ऑफ. आई डोंट वॉन्ट हर टू यूज इट लाइक दैट. सो दिस वन बैक पैक आई गॉट फॉर हर कि नहीं आप नया बैक पैक यूज करना आफ्टर मॉनसून, क्योंकि मॉनसून में बहुत तेज स्प्लैशेस उठ जाते हैं ना व्हेन वी वॉकिंग अराउंड. आई नो दैट द ड्राइवर्स डोंट डू इट इंटेंशनली बट इवन दे हैव टू गो, और अगर पडल है तो दे कांट स्टॉप एट एवरी पडल. सो वी डिसाइडेड कि मॉनसून के बाद ही खोल लेंगे इसे भी. एंड आई थिंक हर लास्ट थिंग इज दिस पेयर ऑफ फुटवेयर. इज अ स्लाइड. आई यूजुअली डोंट लाइक स्लाइड्स बट शी लव स्लाइड्स. सो दिस इज क्वाइट डिफरेंट. इफ यू सी फ्रॉम वन एंगल देयर इज अ लेपर्ड प्रिंट एंड फ्रॉम द अदर एंगल देयर इज अ ज़ेब्रा प्रिंट. फॉर अ ब्रांड लाइक एडिडास व्हिच इज मोर स्पोर्ट्स ओरिएंटेड, दीज आर क्वाइट फंकी. दैट्स ऑल दैट आई हैड टू शो यू लाइक अ मिनी हॉल टाइम. बस दिस इज it for the prep of the series. As of now, we already begun making it today itself. So the production for that has begun. I'm calling it production because it is pretty high quality content. It's not in the spur of the moment. We plan each of it down. We take inspirations. We see how are we going to make it differently and not just blatantly copy something. Here, let me show you a few of those videos without the audio because we'll get copyrighted otherwise. But I am uploading them on YouTube Shorts as well, even if there's a copyright, because a lot of you are not on Instagram. So it's fine, you will get to see regardless of whether you're there or not. But if you've not watched Shorts yet, here are a few of my favorite reels we've made so far. When the light arrives,
were strangers with nothing more common than before. Before the night started to tease us with warmth and such, music, love and touch. मेरे लगते हैं 15 सेकंड के वीडियोस, बट इसमें काफ़ी मेहनत लगती है. इट इजीली टेक्स 3 to 4 hours पर रील इफ देयर इज अ लॉट ऑफ चेंजेस, बिकॉज इट्स नॉट जस्ट चेंजिंग द क्लोथ्स, बट मार्किंग भी करनी पड़ती है कि लास्ट चीज़ कहाँ पे एंड हुई थी, तो वहाँ पे सेम स्पॉट पे वापस आके खड़ा रहना पड़ता है. बड़ा मेहनत का काम है, बट मुझे मजा आ रहा है पर्सनली. आई वॉन्ट टू अडेप्ट विद द चेंजिंग टाइम्स. आई डोंट वॉन्ट टू बी लाइक ओ इट्स क्रिंज. इट डिड टेक मी टाइम टू कम अराउंड इट, बट फाइनली आई एम एबल टू मेक दी शॉर्ट वीडियोज इन अ वे दैट आई रिलेट टू. इसी के लिए बस I want to build a wardrobe so that these many outfit changes I'm able to give you variation. But I'm not going to use each thing only one time. I'm going to use it n number of times, and repetition is a thing of pride and not of shame, because if you can style one thing in multiple ways, usko talent chahiye hota hai. I hope you enjoy these videos. I'm making them mostly because I know it serves as a good entertainment purpose and it gives styling inspo at the same time. So 2 in 1. I hope to vlog a lot more, and in the next vlog you will meet, I've already named her. Is it a her or a he? I think Kaz. I always feel like Kaz is a her. But you will meet our new family member in the next vlog. I will make sure the next video is the car vlog only. So get excited. A big thank you to L'Oreal Paris for partnering up with us for this video. And if you want to check out the skincare routine, it will be linked in the description box down below. If you enjoyed watching this video, give it a thumbs up and subscribe to our channel. If you did not enjoy watching this video, bindas, give it a thumbs down. I will see you in a brand new video very, very soon with our new car. I want to shout, but let's save some excitement for the next video also. Until then, goodbye.